कर रही हूँ। सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू किंग प्रोडक्शन। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है बनाना फ्लैकल्स। ठीक है, फ्लैकल, बनाना फ्लैकल एक पौधे की बीमारी डैश के कारण होती है। ये पौधे में एक बीमारी होती है, ये कौन किसके कारण होती है? तो ये फंगस के कारण होती है। ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजदराजिका इंडिका। ठीक है, अजदराजिका इंडिका। ठीक है, बैक्टीरिया किसने खोजा था? तो वैन लुवेनहॉक ने। ठीक है, किसने खोजा था? वैन लुवेनहॉक ने। ठीक है, अमीबा कौन सा फाइलम से है? कौन सा फाइलम से है होता है? तो ये प्रोटोजोआ फाइलम से होता है। ठीक है, हरित क्रांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। ठीक है, बोरलॉग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निमोनिया जो मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ठीक है, निमोनिया जो हो जाता है मानव लोग को, ठीक है, किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जेनेटिक्स के पिता के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से क्या बनती है? ठीक है, मतलब क्या हो जाता है? विटामिन बी वन की कमी से किस रोग को, क्या रोग हो जाता है? तो ये बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर है, मलेरिया का इलाज करने के लिए सींचो पेड़ से कौन सी दवा पैदा की जाती है? तो ये कुनैन की पेड़ से की जाती है। कौन सी पेड़ की दवा प्राप्त की जाती है मलेरिया के इलाज के लिए? तो ये कुनैन का पेड़ से। ठीक है, रेटिनॉल का आम नाम क्या है? ठीक है, रेटिनॉल को किस नाम से जानते हैं? आम नाम विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, मानव त्वचा में डैश परतें हैं, मतलब कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ऐसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बीट रूट पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? रूट टैप करें। ठीक है, रूट टैप करें मतलब, ठीक है, डैश अनुवांशिक की मूल इकाई है, क्या है? जीन अनुवांशिक की मूल इकाई है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जीन किसे होता है? डीएनए में, डीएनए की संरचना ऐसे होती है, ऐसे 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 8 के जैसा पूरा बना होता है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वैन लुवेनहॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस वैज्ञानिक के सिद्धांत की सिद्धांत विकसित की थी? ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक ना, विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है? क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों से संबंधित वर्गीकरण, जीव की संबंधित वर्गीकरण किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी को कहते हैं। ठीक है, जीवों का अध्ययन भी कहते हैं टैक्सोनॉमी को। ठीक है, पौधे में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, किससे होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, डर्मेटाइट्स एक डैश बीमारी है, क्या बीमारी है? फंगल है ये। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? डर्मेटाइट्स एक फंगल है। किस रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जमा रहता है। पौधे डैश से प्रोटीन संश्लेषित करते हैं, तो ये अमीनो अम्ल से संश्लेषित करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, कौन सा अंग मानव शरीर के द बायोकेमिकल प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है? तो ये यकृत, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूत्र के पीले रंग के कारण क्या जिम्मेदारी है? ठीक है,
क्यों पीला रंग हो जाता है? यू क्रोम के कारण, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स किसने खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ए फ्लेमिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए फ्लेमिंग शॉर्ट में बोलते हैं हम, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किडनी की कार्यात्मक इकाई डैस के रूप में जाना जाता है, नेफ्रॉन के रूप में, नेफ्रॉन किडनी को बोला जाता है, ठीक है। किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है, किडनी की संरचना ऐसे होती है, उसके ऊपर में यहाँ पर होता है नेफ्रॉन, ठीक है। कुष्ठ रोग डैस के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। लिपेज वसा पाचन एंजाइम डैस के द्वारा गुप्त किया जाता है, तो ये अग्नाशय के रूप में गुप्त किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक सिद्धांत जिन्होंने सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया था, ठीक है, किसने दिया था? वैज्ञानिक सिद्धांत जिन्होंने सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया था वो कौन थे? थियोडोर स्वान और मैथियस जेबोक स्लेडन, ठीक है, फिर से नाम देख लेते हैं, थियोडोर स्वान और मैथियस जेकोब स्लेडन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है, सेल थ्योरी के लिए। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रस्ताव किसने किया था? तो होंगो डी ब्रिज ने, ठीक है, होंगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फोरस, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। कौन किस जीवाणु से टाइफाइड का होता है, मतलब किस जीवाणु से टाइफाइड होता है? तो ये सल्मोनेना टाइफी, ठीक है, सल्मोनेना टाइफी से टाइफाइड होता है, ठीक है, जीवाणु से। सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर किसने लिखी थी? तो ये कार्ल नीलियस ने लिखी थी, ठीक है। एसेसिया अब्रिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? एसेसिया अब्रिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये बबुल वृक्ष का नाम है, ठीक है, बबुल वृक्ष जो होता है उसका नाम है एसेसिया अरबिका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अंस्टर हेलेक ने किया था, ठीक है, किसने किया था? अंस्टर हेलेक ने किया था। जोहान्स फेडरिक मिसर ने डैस की खोज की थी, तो न्यूक्लियर एसिड की खोज की थी, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहा कि डैस के रूप में जाना जाता है? तो ये टैक्सोनॉमी, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं। एड्स का पता लगाने के लिए प्राथमिक परीक्षा कौन सी की जाती है? तो ये एलिसा जांच से एड्स का पता लगाया जाता है, किससे किया जाता है? एलिसा जांच से। पौधे के किस हिस्से से जूट प्राप्त किया जाता है? तना से, ठीक है, पौधे के तना भाग से जूट को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है? हर्बल इंडियन डॉक्टर, ठीक है, आमला के वृक्ष को, ठीक है, आमला के पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं। सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, ठीक है, सेल में ऊर्जा कहाँ पे होता है? कोई भी सेल होता है तो उसमें ऊर्जा का मुद्रा कहाँ होता है? तो उसको एटीपी में रहता है, ठीक है। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सा मानव ग्रंथि जिम्मेदार है? तो ये अग्नाशय जिम्मेदार है, ठीक है, इंसुलिन के स्राव में कौन सा मानव ग्रंथि जिम्मेदार होता है? तो ये अग्नाशय है। पौधे के रंग के किस के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन से, सॉरी, त्वचा के रंग का के लिए, त्वचा का रंग जो होता है हम लोग का, मनुष्य का, उसमें कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो मेलेनिन, ठीक है। मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा तोड़ता है? ठीक है, जिगर, लीवर, ठीक है, जिगर, लीवर, यकृत, तीनों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विनिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया था? तो मलेरिया में क्विनिन का उपयोग किया था, ठीक है, जिसे मानव शरीर के आंसू ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, किसे?
लक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, लक्रिमल ग्लैंड्स को, लक्रिमल ग्लैंड्स को मानव शरीर के आंसू के रूप में भी, आंसू ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था, ठीक है, लुइस जाय ब्राउन, ठीक है, लुइस जाय ब्राउन। कौन सा ग्रंथि डक्टेलेस ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, तो यह अंतस्रावी ग्रंथि होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग डैश के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विल्स डिजर जो है नामक बीमारी, ठीक है, डैश का संक्रमण के कारण होती है, तो ये बैक्टीरियल के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण विल्स डिजीज होता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, रेने लाइनेक ने किया था। हर गोविंद खुराना ने डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया था, तो ये चिकित्सा फिजियोलॉजी के तरफ, ठीक है। डैश दूध को चीनी के रूप में भी जाना जाता है, डैश को दूध चीनी के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको, लैक्टोज को, जो दूध में पाया जाता है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में। डैश मच्छर जीका वायरस का वाहक है, कौन सा, एडिस मच्छर, ठीक है, एडिस मच्छर किसका वायरस है, जीका वायरस का वाहक है, जीका वायरस इससे फैलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, तो एरोटा मतलब महाधमनी बोलते हैं, ठीक है, महाधमनी को बोलते हैं, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया है, अवायु शोषण का प्रक्रिया है, ठीक है। कुनेन डैश के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, ठीक है, ताकि मैं आप तक और बेल आइकन को एक घंटा बन के आएगा उसको भी दबा दे, ठीक है, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो, ठीक है, थैंक यू।